जैसे बंधुओ शोभा बेडनी को लेकर शेरशाह पर सम्राट मलखान कार में पहुंचे हैं और जितने जवान लाखन सैयद वीरसिंह ढेवा ये सभी जवान जादू के बल से कोई मेड़ा कोई बकरा कोई गधा कोई मुर्गा कोई बन चुके थे। इन्हें छुड़ाने के लिए शोभा बेडनी सुनबा और फुलबा गजमोतिन ये चारों त्रियां योगिन बनी हैं और मलखान उदल ब्रह्मा ये सब लोग जो हैं योगी बनकर जब कांवर में पहुंचे हैं घर घर में भीख मांगने के बाद इन्होंने सब जवानों को छुड़ा लिया और जैसे ही अपने तंबू में आए हैं जादू के मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के बाद सब जवानों को पुनः मनुष्य बना लिया। और जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इस अगले युद्ध में उदल ने कामसा के लड़के सूरज को मौत के घाट उतार दिया और जब मौत के घाट सूरज उतर चुका तो एक पुत्र की हत्या को देखकर पिता की धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया और जो सिलेट का राजा आगाजीत कामसा का छोटा भैया था कामसा ने सिलेट के राजा आगाजीत को बुलवाया जिसके पास चुंगल नाम की चिड़िया थी और चुंगल ने आते ही आते कांवर में युद्ध के मैदान में निराला खेल दिखाया लोगों। अब तो नाटक ही बदल गया। महोबे के जितने जवान थे चुंगल चिड़िया ने कैद करके कांवर में राजा कामसा की भक्सी में डाल दिए। अब महोबे के जो शेष जवान आला और लाखन इंदल ये तीर रह गए तो सुनवा अपने डेरा में शीशक शीशक कर लाखन से क्या बोली लाखन हिलकी लेके काई कुमार लाखन को रही समझ आई वे लाखन बेटा कांवर में निकली जो लाज बचाई वे और अकेलो इंदल बेटा मैंने देवी पैदा तो चढ़ाई वे समय आएगा नीको मेरो उदल ने अपू तुझ आए लो रे देवी की करके पूजा मेरो गोद को लाल मिलाए दो रे आगु कैसी करो पूत भाव जपो दियो बताए रे हिलकी लेके आज दुखिया जब गैया सी डकराई रे साची कहियो के लाखन बेटा कांवर रहियो केर भज जाओ और हंस के लाखन बोलन लागे बाबज सुन ले अरज हमारे लाखन लौट न कर नहीं है चाहे लौट जाए असमान एक लाख ते लाखन सज गए पहुंचे क्रमगन सिर मैदान और पाती लिख दैया गाजी तको के चुंगल को दे पठवाए और पाछी पाती अगाजी तने पड़त चुंगल दई पठवाए और चुंगल आब तखन के तन में लाखन के दिल करवाए और भूरी सहत कनौजी लेके सौंपे अगाजी तको जाए और सोबे के भय कांवर में मिट गो वंशवना फर गया भैया हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए
प्यारो हिलकी लेके सुनवा जवन नल सो बोलिए। हाँ। मेरे नौजवान साथियों, उदल ने मैया देवी को प्रसन्न करने के बाद कमिंछा को अपने भतीजे इंदल को पुनः जिंदा करवा लिया था, जो सबसे पहले इंदल को उदल को छोड़ाने के लिए भेंट चढ़ाया गया था। जब अकेला इंदल डेरों में रह गया तो अपनी मैया और अपने पिताजी को दुखी लगकर इंदल ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी धमनियों में तेरा गर्म गर्म खून नहीं, अगर कल सुबह में लाखन की बेदा न कर सका। और इंदल ने जाते ही जाते कमिंछा देवी के आंगन में हवन को रचाया है। हवन को रचाने के बाद इंद्र देवता के आंगन से इंदल ने अग्नि बाण लिया है और अग्नि बाण लेकर जिस वक्त इंदल कमिंछा देवी के आंगन में जगो है, अग्नि बाण हसी इंदल लेके जागो मठिये कमिंछा क्या रे आवत खन तमुवन में फौजे तुरत करी ती तैयार। महादुखी लखी माता पिता को तब इंदल ने कहिए सुनाए, जिनके लड़का समरथ हो गए पुरखन कौन पड़ी थी परवाए। तो हम पैदा मंडली कते आ जाय गोनो वाले करवाए, चुंगल चिड़िया को खेतन में मैया आज दिहेरी मरवाए। एक लाख ते इंदल सज गए आए गए खेतन केरे मैदान, पाती भेजी अगा जीत पे पड़तई चुंगिल देव पठवाए, के आई मिलियो मैं चुंगिल के मैदान गहो तलवार। काम साय और अगा जीत ने अपनी बांध लई तलवार, चुंगिल आई रही खेतन में तब इंदल ने कही सुनाए, दोनों तरफ से मोर्चा लगा है। आगे बढ़कर इंदल ने जवाब दिया, नाना जी कामसा मेरी एक बात सुनो, आखिर कुसमा कन बज जाइए ना कहूं अंत दियो पठवाए, ब्याही थियाई कोरे चावर कुसमा बैठी लली तुम्हार, गुनो कर दो तुम कुसमा को कांवर पमर देओ पुजवाए। राजा अगा जीत ने तब इंदल ते कही सुनाए, कौन दे सके तुम राजा हो कौन तिलक खेच दो जाए, करी गुलमई चंदेल नकी ओछी जात बना फरलाल, चुपका लौट जाओ महुबे को इंदल मानो कही हमार। बातन बातन बतबड़ हो गो और बातन में बढ़ गई रार, चुंगल छोड़ी अगा जीत ने इतमें घोड़ा पर उना लाल, इत से चुंगल उत से इंदल धाये दोनों अकाल समान, आसमान में धर धर झपटे मानो हलत जमी असमान। तब चुंगिल पैदा चलाई और लागत बानागिन भाई पैदा चुंगिल हाल भस्म हुई जाए, और चुंगिल जूझत अगाजी तने झटपट कोच गही तलवार, और इंदल पाती लिखिया लाखों और खेतन में लव बुलवाए, और परनिया मेरी के नाई है दादा सुन ले वरज हमारे, और आए के बांधो काम साय को दादा पन्या बरे तुम्हारे।
साकर लेते अजवाला ने पछावत तो दई गहाए और बाद जनीरन काम साए पोतवे आला ने कई सुनाए और क्यों रे राजा कांवरी वाले कोनो जल्दी ये करवाए और चितक न राजा हा हा खावे हम कोने को दे कराई जितने सूरमा होवे बाले तिरियां ले गई सुआ बनाई और सुग मंगा भाई ले बंगला में हुई गए दखल बना फरला और चोली ले पे रानी को समा की और यांगन में लई अमंगाई और फिरी दुहाई आज कांवर में पैसा लगो महोवे जाई की डोली में जब कुसमा बैठी आंगन के मैदान और बड़ी बड़ी आंखें रानी कुसमा की गज भर के सब पद्मिनी नारी और उड़े दुपट्टा जब कुसमा को चमकन लगो गले को हार और लाख ने डोली लई कुसमा की पहुंचे कनवर के मैदान का मैया की डिढ़न पे पहुंची डोली पद्मिनी नारी और आरत करके आज कुसमा की लई आंगन में बहु बुलाई